विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में पैच फंसा हुआ था, जिसमें जिला सोलन की एक सीट नालागढ़ की थी, जहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही थी। बीती रात कांग्रेस कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार हरदीप बावा को कांग्रेस ने नालागढ़ से अपना उम्मीदवार बनवाया है। ये वही हरदीप बावा है जिनके कांग्रेस से चुनाव लड़ने के ऐलान पर लखविंदर सिंह राणा ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा ज्वाइन की थी। फिलहाल अब नालागढ़ हलके में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा से जहां लखविंदर राणा तो कांग्रेस से हरदीप बावा और आम आदमी पार्टी से धर्मपाल चौहान चुनावी मैदान में है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा साल 2017 में कांग्रेस की टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि उस दौरान लखविंदर राणा को कांग्रेस ने नालागढ़ से टिकट दी थी। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं, लखविंदर भाजपा से तो हरदीप कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नालागढ़ हलके में आम आदमी पार्टी की ओर से बनाए गए प्रत्याशी धर्मपाल चौहान इस पर कड़ी टक्कर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को दे सकते हैं। 2017 में नालागढ़ से कुल 36.69% वोट पड़े। 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लखविंदर सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी के KL ठाकुर को 1,242 वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं उस दौरान निर्दलीय चुनाव लड़े हरदीप बावा को करीब 12,000 से ज्यादा मत पड़े थे और वे तीसरे नंबर पर थे। जिला में 4,13,408 मतदाता है, जिसमें से नालागढ़ विधानसभा में 91,746 मतदाता है। नालागढ़ विस में 115 मतदान केंद्र होंगे, जिसमें से शहरी 9, ग्रामीण 106, संवेदनशील 15 और अति संवेदनशील 13 मतदान केंद्र हैं।